रिपोर्ट आई है, लेकिन हम इस वक्त इस घनी कस्सी घने जंगल से चढ़ रहे हैं। अब हम आपको इस वक्त हम आपको ऊपर तक सारे मकाम तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि सफ़र एक तो हमारा लंबा है और दूसरी बात इस वक्त अभी हमारा सा भी चढ़ चुका है थोड़ा थोड़ा। अभी हम लंबे लंबे सा छिक रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और हम गाइड करना भूल गए कि टूरिस्ट हजरात के लिए एक दूसरा रास्ता भी है बाई रोड। ये तो हम इंजॉय करने के लिए और अपने सफ़र को इंजॉयबल बनाने के लिए इस अल्लाह के बनाए हुए कुदरती हसीन और जमील जंगल के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, वरना यहाँ से आप यहाँ बाने पर बरास्ता गाड़ी भी आ सकते हैं। किस तरह आ सकते हैं आपको राना नसीम साहब बताएंगे अच्छी तरीके से। जनाब जो गाड़ी है वो हमारा मेन बाज़ार है बेड़ी, वहाँ से अगर हम गाड़ी लेके जाएं तो गाड़ी आगे ऊपर तक जाती है, उस जगह का नाम है गनूला पथरा। तो वहाँ से आगे ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट का रास्ता है पैदल, तो बंदा जो है बान पे भी जा सकता है, वहाँ से जब सर भी जा सकता है, वही ट्रैक जो है मकड़ा की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो जिस रास्ते से हम आए हैं ये खुद इंजॉय के लिए हम रोड से हट के आए जंगल की सैर करने, हसीन मनाजर देखने के लिए। और सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि वहाँ से ऊपर आप घोड़े पे भी सफ़र कर सकते हैं, घोड़ों की सहूलत भी है। लेकिन जो चीज़ मुश्किलात के बाद हासिल की जाए, मेहनत के बाद हासिल की जाए, शायद उसमें मज़ा ज़्यादा होता है, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए हम इस मुश्किल रास्ते से होते हुए इंशाल्लाह जैसे ही बाण पहुँचेंगे अब हमारा कैमरा तभी ऑन होगा। राना रशीद साहब इस जगह का तारुफ करवाएंगे। अभी अभी हमें एक नई जगह दरियाफ्त हुई है और ये भी आपको तारुफ कराएंगे इस वक्त। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आज बहुत ही मज़े का सफ़र हमारा हो रहा है और इस वक्त आ हमारे सफ़र में अनीस राना जो हमारे अजीज भी हैं, जो कुटला टूरिज़म टॉप हेल्थ टूरिज़म के एडमिन भी हैं, कराची से आज तशरीफ लाए हैं और बहुत ही मज़े का सफ़र के साथ आपको ये बताता चलूँ नाजरीन कि बेहड़ी से ये घने जंगल का सफ़र करके हम बाण की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से आगे हमने सफ़र मकड़ा तक करना है इंशाल्लाह। नाज़रीन आपको बताता चलूँ इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं इस जगह को हम दरेक कहते हैं और ये बाण और बेहड़ी के दरमियान की बहुत अच्छी जगह है, जहाँ क्लोजर की वजह से आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे कि ये नाज़रीन आपको कैमरा मैन दिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे मनाजर यहाँ दरख्त पाए जाते हैं। और इस वक्त ये मेरे सामने जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यूनियन कोस्टल मछियारा है, ये छकड़ियाँ और उसके पार के जो गांव है जबड़ी और उससे पंजूर गली तक के मनाजर नज़र आ रहे हैं। नाजरीन इससे सामने इस वक्त शायद कैमरे में नज़र ना आए चूँकि धुंध भी है, ये चुंज पहाड़ जो हमारी नौशहरी के मकाम पर पाई जाती है उसके सामने जो हमें इस वक्त जो अवर आलूदा पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये जम्मू कश्मीर से है और ये सामने से बिल्कुल ही जो नौशहरी से जो हमारा चिलाना के पार छठवाल का जो
जगह है उसके ऊपर के जो पहाड़ हैं ये वो नज़र आ रहे हैं जो इंडिया के पास हैं और ये पाकिस्तान के पास हैं। हम फंसे हुए कश्मीरी देख सकते हैं इन पहाड़ों को, उस तरफ नज़र दौड़ाएँ तो इंडिया है और इस तरफ नज़र दौड़ाएँ हमारा पाकिस्तान है। इसके साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल रशीद आना को, अल्लाह हाफिज़। आपको इस जगह के बारे में मुकम्मल तारुफ करवाया राना अब्दुल रशीद साहब ने। यकीनन ऐसे कई मकामात अभी हमें देखने को मिलेंगे जहाँ का भी हमें मज़ीद तारुफ की ज़रूरत पड़े, जो कि हमें राना रशीद साहब वक्तन वक्तन करवाते रहेंगे और बड़े नॉलेजेबल और बड़ा एक तारीखी गुफ्तगु उन्होंने अभी की। और अभी हम चलते हैं इस जंगल में। एक बड़ी अहमियत की हामिल आप बात बता रहे हैं, जो कि हमारे सफ़र के दौरान जो हम सफ़र कर रहे हैं इसमें बर्मी का दरख्त देखने को मिला। नाज़रीन इस वक्त इस मुख्तलिफ एरिया में ये जो क्लोजर हमने लगवाया है और लगाया गया है जंगलात के तावन से, इस क्लोजर में बर्मी के कसी तादाद दरख्त अभी जो नाबालग हैं वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्मी एक ऐसा नायाब दरख्त है जो पूरी दुनिया में ख़त्म हो रहा है और इसकी अफादियत यह है कि ये अभी सुना है कि इसके जो तने हैं जल से कैंसर का इलाज इसमें तख्लीक किया गया है। और इसकी खसूसियत यह है कि ये बर्मी का दरख्त जिसकी उम्र जिसकी बलूगत है 400 साल, यानी ये 200 साल के बाद बालग होता है और 400 साल इसकी उम्र है। और जैसे ही हमारे कई सदियां पुराने हमारे जो बुज़ुर्गों ने बर्मी के दरख्त से जो स्लीपर लगाकर हमारे मकान बनाए गए, यकीन जाने आज कई सदियों के बाद चार सदियों के बाद भी वो निशानात मौजूद हैं। यानी इसकी इतनी मजबूत नहीं लग रहा है और बहुत ही असीन भी होती है, इसका बिल्कुल सुरख कलर होता है और अगर इसके ऊपर पॉलिश करके इसकी कोई कीमती चीज़ बनाई जाए तो आप यकीन जाने इसका हुस्न कभी ख़त्म नहीं होता। और ये बहुत दुनिया की नायाब तरीन लकड़ियों में से एक लकड़ है और ये मछारा नेशनल पार्क लगने की अफादियत में से जो मछारा नेशनल पार्क लगाया गया उसमें से भी एक ये अहम मकसद है कि बर्मी का तहफ़ मुमकिन बनाया जाए। क्या ना करें, इस वक्त हमें राना रशीद साहब ने बताया कि ये वाला ना ये वाला फोटो बना, खाली फोटो बना, फोटो बना बर्मी का नायाब दरख्त इस वक्त हमने देखा जो कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन अभी हमने यहाँ देखा ये आप देख सकते हैं इसको, यहाँ चंद दरख्त हमें नज़र आए, हमने कहा इनको ज़रूर आपके साथ शेयर करें। लेकिन ये ना हो कि अभी हमने शेयर किया पता चले कल इनका जनाजा पढ़ा दिया गया इधर।